आपको बोर्नियो से भी कुछ अलग करना है। देखो दोस्तों, मैं बोर्नियो को एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, ना ही बोर्नियो पर मेरा इतना ज़्यादा फोकस रहता है। मैं चाहता हूँ कि बोर्नियो से भी कुछ ज़्यादा बेहतर दूँ। तो जुड़े रहने के लिए और ज़िंदगी भर के लिए बैकअप सपोर्ट के लिए, एक बड़ी टीम से जुड़ने के लिए, एक बड़े बड़े टेक्नीशियन से जुड़ने के लिए, आपको वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वो है एसर टेलीकॉम। मैं यहाँ पर और हमारा काम सक्सेस हो गया है कि जो कि जैसे कि हमने देखना था कि हमारा जो फॉल्ट है ग्राफिक्स का, देखिए ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने जम्पर लगाया हुआ है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सीपीयू से। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और अगर आपको ऐसा ही काम करना है और अगर आपको करना है, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जो। माय यूट्यूब फैमिली, कैसा आप सभी लोग? रियलमी 5i ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, इसको बनाएंगे, पूरा डायग्नोस करेंगे। सो डायग्नोस कैसे कर रहे हैं और क्या फॉल्ट है? पावर से फॉल्ट है, ग्राफिक्स आईसी से फॉल्ट है या सीपीयू से फॉल्ट है, ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रहा है? सो इसको पूरा हम डायग्नोस करेंगे और डायग्नोस करके बनाएंगे। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देवदत्त अग्रवाल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैंने ना थोड़ा सेटअप बना के रखा हुआ है ताकि मैं आपको इस बार, मैं हमेशा आपको इस कैमरे में दिखाता हूँ ये टीवी पर, बट इस बार मैंने आपको सोच रहा है कि कुछ रिकॉर्डिंग करके ही दिखा देता हूँ। रहता हूँ बोर्नियो अधूरा है, बोर्नियो ऐसा है, बोर्नियो ऐसा है। तो ऐसा मेरा बोलने का मतलब ये कभी नहीं है कि बोर्नियो इतना ख़राब है कि यूज़ नहीं करना। बोर्नियो को अपने पैसे दिए, बोर्नियो बना हमारे लिए, किसी पंचर वाले आए उसके लिए नहीं बना। तो इस वीडियो में आपको बोर्नियो से बताऊंगा, पर दोस्तों अगर आपको विदाउट बोर्नियो से सीखना है, अगर आपको खुद का बोर्नियो बनाना है, आप चाहते हो कि कोई सेट जिसमें बोर्नियो पे नहीं आ रहा है, जो फंस रहे हैं या लाइनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप एसर टेली को बिंदास ज्वाइन करो, क्योंकि मैं स्कीमेटिक से पढ़ाता हूँ बिल्कुल डीप लेवल पे और विदाउट स्कीमेटिक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कि अगर स्कीमेटिक नहीं भी है, जैसे वीवो के मोबाइल के स्कीमेटिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी लाइनों को कैसे ट्रेस करना है, आईसी के अंदर पैड कैसे ढूंढना है, माइक्रो जंपरिंग तक कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने साथ अपने सेट लाइए जो हम लाइव डायग्नोस करेंगे आपको, तो आपको पता चलेगा कि फॉल्ट इसमें क्या हो सकता है। जो एम्पेयर की मशीन है उसको थोड़ा सा नोटिस कीजिए, अभी ये देखिए आप यहाँ पर मेरी एम्पेयर की मशीन देख रहे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन को डीसी एम्पेयर के साथ लगा रहा हूँ और ये चेक कर रहा हूँ कि फ़ोन ऑन है कि नहीं है। और आप नोटिस कीजिए कि मैं अपने फ़ोन पे सब तरह के केबल्स लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये केबल्स आपका डिस्प्ले केबल है, ये केबल आपका एफपीसी केबल है, सो बेसिकली, और ये आपका बैटरी कनेक्टर केबल है। तो देखिए तीनों केबल लग गई है। अब हम चार्जर लगाएंगे तो देखेंगे हमें कोई ग्राफिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग में एम्पीयर देखेंगे तो तकरीबन 1 एम्पीयर के ऊपर ही जाना चाहिए। अगर ये 1 एम्पीयर के ऊपर चला जाता है तो हमारा फ़ोन हम ऑन मानेंगे, ठीक है। तो आप फिर से देख सकते हैं फिलहाल, और ये नॉर्मल है तो उसमें ये देखिए, ये मैंने लगा दिया। अब आप एम्पियर देखिए, देखिए फ़ोन वाइब्रेट भी हुआ है और आप देख सकते हैं 1.1 एम्पियर पे गया हुआ है, 1.1 एम्पियर। और आप देखें कि यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखिए फिर से निकालता हूँ, आप देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर केबल पूरी लगी हुई मिलेगी, और जी लगाया मैंने। और आप देखिए, देखिए फ़ोन वाइब्रेट हुआ बट ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। और एम्पियर की बात करेंगे तो फिर से एम्पियर आप देखिए, तो आपको यहाँ पर देखिए बैटरी कनेक्टर निकल गया है, इसलिए एम्पियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं एक बार बैटरी कनेक्टर लगा देता हूँ, ये देखिए बैटरी कनेक्टर लगा दिया। और अब देखिए
तो एम्पियर हमारे को 1.1 एम्पियर के ऊपर मिल रहा है और फ़ोन में ही देखिए 1.6 एम्पियर चला गया है और नोटिस कर सकते हैं आप। तो ये तो पता कर लिया है कि हमने हमारे फ़ोन का जो चार्जिंग है वो तो हो रहा है और 1 एम्पियर तभी जाता है जब आपका फ़ोन ऑन हो, नहीं तो ये ऐसे 0 पे अटक जाता है। तो चलो आप डायग्नोस करते हैं। तो एक बार मैं आपको लाइनों की जानकारी थोड़ा दे देता हूँ और हम क्योंकि बोर्नियो की स्क्रीन पे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले जो वोल्टेज चेक करेंगे वो हम ग्राफिक्स के प्लस 5 माइनस वोल्टेज चेक करेंगे। एक बूस्ट वोल्टेज जो कि ओप्पो है तो प्लस 6 माइनस 6 से करके आएगा और उसके बाद में हम ये रीसेट TE और ये जो टेयरिंग इफेक्ट्स रीसेट की लाइन चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लाइन पे ये जो पहले नंबर की पिन है इस पिन पे आपको यहाँ पर VSN लाइन मिल रही है और इस पिन पे मतलब आपको प्लस 5 के ऊपर आना इस प्लस माइनस 5 के ऊपर आना चाहिए और उस लाइन पे प्लस 5 के ऊपर आना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं और इसके पहला दूसरा तीसरा और एक एक छोड़ के अगर बात करें तो माइनस 5 प्लस 5 वो 1.8। तो ये वोल्टेज हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये वोल्टेज हमारे को यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये खोल के रखा हुआ है तो आप मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने मल्टीमीटर यहाँ ऑन करके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम आई होप कि आपको ये मल्टीमीटर के वोल्ट ये दिखाई दे रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें चार्जर लगाएंगे और चार्जर लगा के हम इसमें वोल्टेज देंगे और क्योंकि फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होगा और हमें इसमें वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए हमने वोल्टेज दिए हैं, चार्जर लगाए हैं और अब हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो पहली जो नंबर की पिन है यहाँ पर हमें माइनस 5 के ऊपर वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ये देखिए माइनस 6। अब इस पर प्लस 6 मिलना चाहिए, इस पर 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 वोल्टेज तो हमें मिल गए। ठीक है, तो 3 वोल्टेज तो हमें मिल गए। तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसके वोल्टेज तो हमने क्लियर कर लिए। तो अब इसका मतलब ये है कि हम इस पर ग्राफिक्स जो सप्लाई है उस पर चले जाते हैं। तो इस पर जो ग्राफिक सप्लाई है तो हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ओपन होने वाली सप्लाई है, मैं एक वीडियो में आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी सप्लाई है, मैं सारी सप्लाई तो उसको चेक कर सकता हूँ बट मैं डायरेक्ट मेन सप्लाई चेक कर रहा हूँ जो ज़्यादातर फ़ोन में फॉल्टी होती है। और रियलमी 5i में हमने पिछले एक महीने पहले भी ये सेट बनाया था। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर है ना रीसेट की लाइन होती है, ये देखिए RST रीसेट और टीयरिंग इफेक्ट्स। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर की लाइन है जो यहाँ पर एक 0 ओम्स के रजिस्टर के साथ है और जो आपके इस CPU के अंदर तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीसेट की लाइन चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी वो रीसेट की लाइन पूरा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप पहले उसके रीसेट का GR देखिए, देखिए तो मैंने चार्जर हटा दिया और बैटरी निकाल दी है। पहले मैं रीसेट का GR बता देता हूँ। तो ये आपका 250 से 800 के बीच में कम समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ से हम गिनेंगे 9 नंबर की लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप देखिए ये OL दिखाई दे रही है ये लाइन। तो अगर मैं यहाँ पर रीसेट की लाइन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पे OL दिखाई दे रही है। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये देखिए। और ये लाइन यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू जानी चाहिए तो कंट्रीटी मुझे मिल जाएगी यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ पर भी आप देखिएगे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कोई GR नहीं आ रहा है और यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई GR नहीं आ रहा है। बाकी पे आप देखेंगे तो GR आपको बाकी कंपोनेंट पे मिल रहा है पर ये लाइन ओपन है। तो इसका सीधा मतलब ये जाता है कि ये जो लाइन है ये CPU से ब्रेक है। सो हमें इसको CPU निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको CPU निकाल लेते हैं और जो रीसेट की लाइन है उसको CPU निकाल के फिर हम इसको देखेंगे कि अंदर ये पैड से कनेक्टेड है कि नहीं है।
और दोस्तों हम सीपीयू डीलिंग का चांस नहीं लेंगे क्योंकि हमें कस्टमर को हमें डाटा रिकवरी करने देना है, और ऐसा नहीं है कि हम सीपीयू डीलिंग नहीं कर सकते, बट हम चांस नहीं लेना चाहेंगे तो हम इसको सीपीयू रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे लाइनों के जानकारी के साथ। तो चलो दोस्तों इसको रिवॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने प्रॉब्लम डायग्नोस की है, तो सबसे पहले इस पर मैंने 3 वोल्टेज चेक की, उसके बाद में मैंने इसकी सप्लाई चेक की। मैं पूरी बेसिकली एक एक सप्लाई चेक कर सकता हूँ, पर मैं ज़बरदस्ती वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहता, और क्योंकि जो ज़्यादातर जो फॉल्टी लाइन होती है मैं उसी की बात करता हूँ, और ज़्यादातर डायरेक्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ कि एक शॉर्टकट वे में हम एक फ़ोन को बना सकें। बट आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है और हर एक लाइन के बारे में समझना है तो आपको इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। एक वीडियो देखने से, एक लाइन समझने से तो कभी भी कोई फ़ोन बन नहीं सकता है। सो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। सीपीयू हमारा सही तरीके से हो जाए तो हम इसके लिए और MMC जो हमारी लगी है उस पर हर्ट ना हो, इसलिए हम यहाँ पर एक थर्मल पैड लगाएंगे जो हमने ZX मलिक से परचेस किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थर्मल पैड लगाए हुए हैं, और जो मैं स्क्रैपर यूज़ करने वाला हूँ वो ये स्क्रैपर है। और हीट मैंने रखा है 250 पर, और 857DW प्लस मैं अपनी SMD यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ब्लैक पेस्टेड जो है उसको हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी MIPI की लाइन लगी हुई है, MIPI प्रोटोकॉल।
हमारी आईसी हमने निकाल ली है, क्लीन कर ली है, रिबॉल कर ली है, हमें सिर्फ लगाना है। बट दोस्तों इसको लगाने से पहले मैं इसकी जो पैड लाइन है वो जरूर चेक करूंगा, पैड लाइन हमेशा चेक करना चाहिए। और ये मैं चेक करूंगा कि जो मेरी रिसेट की लाइन है वो मेरी आईसी के अंदर तक आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर नहीं आ रही है तो मुझे सी पी लगाने का कोई फायदा होगा नहीं, तो मुझे फिर से सी पी उठा के एक माइक्रो जम्पर लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो चौटिन ये वाले नंबर से आ रही है, मैं दिखा देता हूँ ये वाले नंबर से। तो यहाँ पर हम इसकी लाइन को चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। हम क्या करेंगे, एक यहाँ से जम्पर लेंगे और ये जम्पर को हम ग्राउंड कर देंगे। तो और वहाँ पर चेक करेंगे कि वहाँ पर ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर नहीं तो हम माइक्रो जम्पर लेंगे। हमें पूरा लाइन को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जम्पर कर दी ये लाइन, तो आप देख सकते हैं। अब ये लाइन को मैं चेक करूंगा मल्टीमीटर से, तो आपकी साउंड सुनेगा। तो अब यहाँ से 9 नंबर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये ग्राउंड आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड हुआ कि नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4 गिरे, यहाँ पे अभी भी ग्राउंड नहीं है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ से ओपन है। तो हम यहाँ से एक जम्पर ले लेंगे।
अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जंपर निकल गया, तो हम ये जंपर लगा देते हैं। तो हमने जंपर लगाया है एक बार वापस, तो थोड़ा सा यूवी ग्लू दे देते हैं। और जो हमने जंपर लगाया है उसको हम बहुत अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ये तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि बन जाता है कि नहीं, क्योंकि जंपर तो हमने निकाल लिया, अब उसको हम कैसे भी करके लगा सकते हैं, अच्छी पैकिंग वैकिंग सब कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप मल्टीमीटर में देखिए, तो यहाँ पर हमारे को 300 से 800 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। तो देखिए अब आपको रीडिंग आ रही होगी। अब यहाँ पे चेक करेंगे 9वें नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए अब आपको रीडिंग आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए लगा लेते हैं फोन को और देखते हैं कि काम डन हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा डिस्प्ले आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हमारा काम सक्सेस हो गया है कि जो कि जैसे कि हमने देखना था कि हमारा जो फॉल्ट है ग्राफिक्स का, वो हमने रिसेट की लाइन को एक माइक्रो जंपिंग करके सीपीयू के साथ में किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और अगर इस वीडियो में एक बार पर मैं आपको बता देता हूँ, चलो कि वो मेरा जंपर नहीं तो लोग बोलेंगे कि मैंने पीसीबी चेंज कर दी, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो आप देख सकते हैं मैं इसी का यहाँ पर ओपन कर रहा हूं, और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने जंपर लगाया हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए ये आप देखिए यहाँ पे मैंने जंपर लगाया हुआ है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सीपीयू से। तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और अगर आपको ऐसा ही काम करना है, और अगर आपको करना है, आपको बोर्नियो से भी कुछ अलग करना है। देखो दोस्तों, मैं बोर्नियो को एक्सप्लेन करता नहीं हूँ, नहीं बोर्नियो पर मेरा इतना ज़्यादा फोकस रहता है, मैं चाहता हूँ कि बोर्नियो से भी कुछ ज़्यादा बेहतर दूँ। तो जुड़े रहने के लिए और ज़िंदगी भर के लिए बैकअप सपोर्ट के लिए, एक बड़ी टीम से जुड़ने के लिए, एक बड़े बड़े टेक्नीशियन से जुड़ने के लिए, आपको वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, वर्ल्ड के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, वो है एसर टेलीकॉम। आएगा जरूर, और मेहनत करो और अपना नाम कमाओ, और अपना नाम कमाओ और अपने नाम के बारे में इतना फैला दो कि मतलब हर एक के मुंह पर आए। थैंक यू वेरी मच। YouTube में नहीं बताया वो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? मैं सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?